बाय बाय टू दिस लवली मुंबई रूम, लेट्स गो। अभी हमारे पास एक बैग लेके आए थे और दो बैग हो चुके हैं, रातों में ओवरहीटिंग हो जाती है, फिर नशे निकल आती है। भाई रात के 12 बजे ट्रैफिक देखो भाई मुंबई में, 10 मिनट का रास्ता है और अपन आधा घंटा। भाई भीड़ देखो एयरपोर्ट पे, भाई क्या हो रखा है यहाँ पे, भाई कुछ तो बात है भाई, भीड़ 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 ही भीड़। दोनों बैग की हाइट सेम है, एक हाथ से चला रहा था, फिर एक हाथ में खा दिया था व्लॉगिंग के लिए, व्लॉग नहीं कर रहा था, दो बैग लेता हूँ। आई जस्ट गॉट दिस परफ्यूम, मैं हनी भैया के लिए ऊद ले रहा था बट मुझे ये दिख गया और मुझे इतना अमेजिंग लगा ये, मुझे लगा उनको पसंद जरूर आएगा ये। भयंकर नींद आ रही भाई, 12 बज चुके, चेहरे पर भागना भी पड़ेगा। मीनवाइल अच्छा लग रहा है पोहा? पोहा अच्छा नहीं लग रहा? अरे पियू कैसा लग रहा है पोहा? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मिर्ची नहीं खिलाएंगे आपको, फिक्र नहीं करो आप, चलो हम भी चले, पापा वेट कर रहे हैं हमारा, परना क्या? चलो ये हमने बिठा दिया पीयू को, चलो बैठो अब। पीयू तुम दीदी को पकड़ लेना ऊपर, अब हम जा रहे हैं लखनऊ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। चलो भैया चलो आयो। पहले काना को खिलाना है। जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया वो साला अर्थी पे अपने घर गया। पकड़ो पहले काना को, पहले काना को। पहले हम नहीं खाएंगे, पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। नहीं पहले हम नहीं खाएंगे, ये काना पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। अभी रुक जाओ, पहले काना को खिलाओ। नहीं आंख बंद करके काना को याद करो। पहले हम नहीं खाएंगे, पहले काना खाएंगे। Meanwhile और गन्ना कटते कटते बचा भाई, मैं वीज़ा लेके आया था क्योंकि बच्चों को आना था, तो बच्चों के साथ एक पेरेंट को लेना होता है और मैं यहाँ के खड़ा होकर लाइन में कि वीज़ा ना अराइवल की लाइन में, वहाँ मेरा नंबर भी आ गया, मुझे ध्यान है भाई मैंने तो वीज़ा लिया था। भाई सुबह के 4-5 बज रहा ना, दिमाग नहीं काम कर रहा, पीछे होगा लाइन में, भाई मैं कितना पीछे होगा, बस गन्ना लाइन में लग गए थे भाई। ये सही है, यहाँ पे इमिग्रेशन करते हैं पासपोर्ट के साथ ठप्पा मार के सिम कार्ड दे देते हैं भाई। गजब ये देखो अभी सैनिटाइजर मशीन पता चल गई इनको, अब बस अब ये गया, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी ये बोतल तब तक इनके सैनिटाइज ही होते रहेंगे। 3 घंटे हो गए हैं भैया वेट करते करते, थक गया, कमर दर्द हो जाता, दो बच्चों के साथ पूरा एयरपोर्ट इन लोगों ने सिर पे उठा रखा। सुबह के 5:30 फाइनली वी रीच्ड आवर रूम, कुछ ऐसा लगता है दिस इज स्टूडियो अपार्टमेंट लिया हमने ताकि छोटी सी किचन भी मिल जाए, चाय वाय घर पे बन सके और दैट्स इट। ये अपना बेडरूम आता है यहाँ पे। ऋतु रशि बच्चे लेट आएंगे, दोपहर तक पहुँच जाएंगे एंड हमें आना था जल्दी, मैं थोड़ा लेट हो गया, ऋतु थोड़ा लेट हो गई, तो हमारा एक दिन से प्लान डिले चल रहा है। मैं हो रहा है 6, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि होटल में ब्रेकफास्ट लगने वाला है 6:30-7 पे, वो करके सोएं या सो जाएं क्योंकि नींद भयंकर आ रही है भाई। हमें लग गई गदर भूख, यहाँ क्या है बनाने का सामान, कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पे, वेरी गुड, ओवन भी है, साला हम यहाँ खाना बनाने आए हैं, घूमने आए हैं, वेरी गुड। प्लेटें कहाँ है भाई? अच्छा यहाँ पे कुछ है, प्लेटें नहीं है, ले टोस्ट करने के लिए ब्रेड है, ब्रेड करने के लिए टोस्ट है, नहीं क्या है समझ जाओ भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? और फ्रिज भी है भाई, गजब, और फ्रीजर भी है भाई, यार ये मस्त लगता है, मैं पता ही नहीं चला, छुपा कर रखो घर में बच्चों, पता ही नहीं चला भाई। क्या बाहर से पत्तल लेके आएंगे क्या खाने के लिए? प्लेटें नहीं है भाई, छोटी सी प्लेटें, चलो प्लेटें भी है, वेरी गुड, ग्रेट सक्सेस। पहले इस वाले होटल में बुकिंग करा रहा था बट फाइनली नहीं भाई, हमने इसमें कराया क्योंकि ये वाले होटल में एक दिन का किराया कुछ
46-50,000। अगर आज लेट हो गए तो एक हमारा 50,000 वेस्ट हो जाता, तो बहुत दुख होता। मौसम क्या अमेजिंग यार, इट इज बेटर मौसम देन मुंबई। सुबह के 6 बजे ना अंधेरा है यहाँ पे, कोई बंदा सन्नाटा नहीं। तो अपन ये सुपर मार्केट में पानी वानी थोड़ा ले लेते हैं और फिर सो लेंगे। यो के लिए दूध ले लेते हैं, फ्रेश मिल्क, बैक टू माई रूम सोते हैं भाई। मुंबई में थे, मेरे दोस्त की शादी थी। लेकिन शादी में अगर आप एक चीज देख रहे थे, इंस्टा में भी शादी का मौसम चल रहा है, इंस्टा में बहुत लोग शादी पोस्ट करते हैं। भाई दुल्हन जो होती ना भाई, अगर आप देखोगे ना उसकी रील या वीडियोस, भाई दुल्हन के सारे स्टेप्स वेल डिफाइंड, उसको पता है कौन सा गाना बचेगा, इस डीजे ने क्या मिक्स बनाया है, मेरे को कब कैसा स्टेप देना, कैमरा वाला कहाँ खड़ा है, उसको एक्सप्रेशन कैसे देना है। भाई लौंडे को कुछ पता नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता भाई क्या स्टेप करना है। लड़की कर रही है, रील बन रही होती है, उनको घंटा फर्क नहीं होता, ये करते रहते हैं भाई। इतने बड़ा चोमू लगते ना हम लोग, और दुल्हन का सब सेट होता है भाई, उसको पता है मेरी क्या रील जा रही है, मेरा क्या क्या भाई, सारे गाने प्रिपेयर्ड हैं उसके, हमें घंटा नहीं पता क्या चल रहा है भाई। एनीवेज हमें क्या, हमारे तो हो चुकी है, थोड़ा सा जिम निपटा के आते हैं। ऋतु का डिपार्चर हो चुका है, यहाँ पे लैंड करेगी 4:30 बजे, और प्लान ये है कि अभी हनी भैया का मैसेज आया कि 6 बजे आ रही है। हनी भैया का नया गाना उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल ही दिया, लव डोज, जो उनका सुपर हिट सॉन्ग था उसका रीशूट है। तो आज उनके घर में थोड़ा मस्ती करेंगे, भैया कहने के रशी को लेके डांस प्रैक्टिस में जाएंगे लव डोज 2 की, और फिर कल भी थोड़ा रिहर्सल है, और परसों है पूरा एक्चुअल शूट। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि यार ये गाने सुनकर तो हमने अपनी जवानी निकाली है भाई। थोड़ा सा जिम निपटाते हैं, बाहर पूल भी है रशी के पास। बैक फ्रॉम द जिम, अभी बस एक स्कूप अपना प्रोटीन पियेंगे, फिर निकलते हैं बाहर। तो आने वाली थोड़ी सी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करा, क्योंकि बच्चों को रात को दूध की जरूरत होती है, दूध वूध थोड़ा ले आते हैं, दूध दही। और सुबह सुबह आई थिंक वील हैव अवेलेबल स्कूप, सुबह भी बच्चों को उठते भूख लग जाती है तो कुछ ले आते हैं बच्चों के लिए। ये सामने सुपरमार्केट है केयर फोर, दिखा रहा है मेरे को गूगल के, मेरे को उसके लिए जाने के लिए वहाँ से पीछे से घूम के ऐसे आधा घंटा की वॉक है। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अगर मैं यहाँ जाऊँ इस गैस स्टेशन, यहाँ से मैं छलांग नहीं मार सकता, बात ये पुलिस पकड़ लेगी। सो अभी बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी दिक्कत है कि रितु का पता ही नहीं है, वो लैंड हो चुकी है कि नहीं, वो वहाँ से उसने टेक ऑफ किया। रितु की बहुत गंदी आदत है, वो मैसेज नहीं करती, मतलब अपने में खो जाती है वो, और मेरी उससे बहुत लड़ाई होती है इस बारे में, और अब आएगी ना मेरी उससे बहुत गंदी लड़ाई होने वाली है। मतलब आई डोंट नो शी हैज इवन टेकन ऑफ, बच्चे ठीक हैं, लैंड हो गई है, क्या चल रहा है। बट चलो अभी थोड़ा यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, ये वाली सुपर मार्केट में सुपर क्लोज टू माई अपार्टमेंट, जाते हैं कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं। सुबह से मैंने बस लबान पिया और प्रोटीन शेक पिया भाई, लेकिन वेदर अमेजिंग भाई, मुंबई से अच्छा वेदर यहाँ पे। मुंबई में बहुत गर्मी थी, यहाँ मस्त भाई। क्या बोलते हो, ट्राई की जाए प्राइम, मैंने सुना खाली टेस्ट इसका उतना ग्रेट नहीं है जिस हिसाब से दाम है। दाम कितना है यहाँ पे, 19 दिरहम। हम पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट, और अच्छी बात यह है इमिग्रेशन के बाद हमें मिला, मैं दिखाती हूँ क्या, ये देखो हमें फ्री सिम मिली है। तो हम होटल पहुंच गए हैं, अभी हम लोग कीज ले रहे हैं 809 की, ये देखो दोनों यहीं पे पापा पापा करने लग गए हैं। क्या करोगे पीयू सबसे पहले? आराम आप ये बताओ क्या करोगे पापा के साथ पहले? हगी और चार चीजें। चलो पापा उधर, चलो आ गए भाई हमारे चुन्नू-मुन्नू, फाइनली हमारे चुन्नू-मुन्नू आ गए। जैसे ही नहाने घुसा वैसे ही आ गए बिना जूतों के चप्पल के, जल्दी जल्दी में देखेंगे पहले कौन हगी करेगा। भाग के हगी करना, भाग के हगी, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, रुक जा रुक जा। अल लिफ्ट छूट गया, अल पापा तो नंगे पाँव आ गए हैं। चलो हल्ला नहीं मचाओ, रशी पियो हल्ला नहीं, जल्दी रेडी हो, गरम है चिपक जाएगा, हुआ हुआ ना करो, फटाफट रेडी हो जाओ। हनी भैया का मैसेज आया, सब वहाँ बुला रहे हो, जल्दी करो। और आप तो रेडी लग रही हो, वो
चलो रशी भी रेडी है, प्यू भी रेडी है।